Are we? Yeah, Dilly. Where are मैं यार प्लाजे के अंदर रास्ता ढूंढ रहा हूँ किधर पे है किधर पे यार ये बहुत ही बड़ा प्लाजा मैं तो आज तक आया ही नहीं कभी यहाँ पर बहुत बड़ा प्लाजा है बहुत बड़ा प्लाजा है ये आप किधर से राइट किधर से एंटर किया प्लाजा ओ यार मैंने वो कट भूल गया था मैं इधर से मैं एंटर हूँ इधर एयरपोर्ट रोड की तरफ से एयरपोर्ट रोड लेफ्ट लो बेंटिस नो फिल से इधर आते हुए नॉर्थ पार्क की तरफ जाते हुए अच्छा इंडो कनाडा ये क्या है इंडो कनाडा सलून एंड स्पा दुबई ज्वेलर्स दुबई ज्वेलर्स हाँ मान इमिग्रेशन मान इमिग्रेशन से इधर जाओ मान इमिग्रेशन से उधर जाओ आपको सामने शेक्सपियर दिखेगा कॉर्नर पे शेक्सपियर दिखेगा शेक्सपियर शेक्सपियर शेक स्क्वायर शेक स्क्वायर हाँ जी राजा फैब्रिक्स शेक्सपियर के साथ पटेल है पटेल के साथ ये है अंकल शेक्सपियर खड़े हुए आपका शेक्सपियर दिख जाएगा इधर देखो गार्लिकी के सामने पड़ता होगा रेड चिली ट्रॉपिकल ग्रिल आप रेड चिली से लेफ्ट तिरछा देखो लेफ्ट की साइड डायगनली देखो रेड चिली से डायगनल देखो एक मिनट ठहर जाओ यार रेड चिली के डायगनल की इंग्लिश जूस वाला जो है वो शेक स्क्वायर जूस वाले के साथ ही क्या शेक्सपियर है मैं यार शेक्सपियर और पटेल तो दो कभी साथ हो ही नहीं सकते शेक्सपियर है जी वो शेक आज खुला है ये वाह जी वाह शेक स्क्वायर लेजेंडरी शेकरी एंड डेजर्ट कैफे सिंस 1971 दिल्ली का ब्रांड है ग्रोड बेस्ट का है जो मैं ओ यार तूने गाली दे दी यार वो वीडियो आम थी यार चलो इधर पे मैं उसको वो होती ना बीप होती है मैं बीप मार दूंगा अंकल आमलेट क्या भाई जी क्या जबरदस्त क्या आ गया भाजी मैं गड्डी लाने लगा आ जाओ जी वीर सॉरी रेडियो ऑन था अच्छा मेरी सवारी जा रही है वीर ब्रैम्पटन की तरफ और हालांकि अफगानिस्तान 130 पे 129 पे आउट हो चुका है इट्स अ वेरी जिसे कहना है कांटे का मैच है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए तो मैं क्या नाम है लेकिन कभी कभी आप ने क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज मैच है तो मैं जा रहा हूँ एक दुकान है यहाँ अच्छा ब्रैम्पटन जो है ना आपको वहां पर इंडिया में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की कौन सी फूड की दुकान होगी जिसका कोई ना कोई या तो कॉपी कैट होगा या उनकी कोई ब्रांच होगी या उनको कोई आई मीन किसी न किसी फॉर्म में तो आज मैं जा रहा हूँ क्या ना मैं एक अंडे से रिलेटेड मैं नाम लेना चले नाम लेता अंकल आमलेट के नाम से है तो एक बंदे ने बताया मैं कहा भाजी गल ही कोई नहीं अंडिया दे देसी आप आशिक है ना तो मैं क्या नाम है डिफरेंट ही गॉट सो मैनी आई इफ यू जस्ट गूगल अंकल आमलेट इट्स अ फ्री प्रमोशन फॉर हिम तो आप ना आपको हर तरह की डिश मिलेगी अंडे से रिलेटेड इस तरह भी एक और क्या नाम था बावर्ची के नाम से है वहां मैं वो अंडे की बिरयानी पाकिस्तान में पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती लेकिन दैट वाज टोटली साउथ इंडियन एंड पाकिस्तान की जो बिरयानी है इसका एक अपना मिजाज है उसका अपना एक टेस्ट है या इंडिया की जिस तरह हैदराबादी बिरयानी है या कराची की बिरयानी है आई मीन पाकिस्तानी बिरयानी का एक मिजाज है अपना वाकई और इस मामले मुझे सिल्वर स्पून की बिरयानी बहुत पसंद है कई लोग कहते हैं कुछ नहीं है लेकिन आई रियली लाइक इट दे नेम सो फ्यू अदर प्लेसेस दे आर द बेस्ट बट एनीहाउ तो मैं ये अंकल आमलेट के चक्कर में मैं कह पाजी मैच तो होते रहेंगे अब बंदे से वादा भी किया हुआ है माय गुड फ्रेंड ही इज फ्रॉम जलंधर उन्होंने कहा पाजी मिस नहीं करनी है अज मैं कह पाजी आप आ रहे हैं फिर मैंने हालांकि उसको बहुत टालने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं यार आप लगा लो ऑनलाइन उसके ऊपर क्या नाम है स्कोर देखते रहना स्कोर कार्ड पे मैं कहा चलो अच्छा तो फिर वापसी में मेरे वहां पर एक और है दुकान क्या नाम है कचोरी हाउस के नाम से वैसे तो यहाँ
oh man, this is a nice flight from soup. चले जहाज को देख के याद आया सैटरडे को इसी सूप के जहाज पे जो अभी गुजर के गया है. आई एम हेडिंग समवेयर. जब वीडियोज आनी लगेंगी तो यू गाइज विल नो के वेयर आई एम हेडिंग टू. तो मेरा एक हफ्ते का ट्रिप है और उसके बाद आई एम स्टिल डिबेटिंग के गो ईस्ट और नॉट. और नवंबर में तो मुझे हर हालत में जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, दुबई वगैरह की तरफ और आगे, क्योंकि आई हैव नो चॉइस. बताने में कोई हर्ज नहीं है. मैं दुबई में था अपने बेटे के निकाह के चक्कर में और अब उसकी क्या नाम है शादी है वलीमा, तो आई हैव टू गो. लेकिन इस उम्र में आप एज ए गेस्ट ही जाते हैं, बाकी करता धरता तो होम गवर्नमेंट के हाथ में होता है या फिर बच्चों के हाथ में होता है. तो मैं कहा ठीक है आप भी अटेंड कर ही लांगे, कोई गल नहीं. तो डेट वॉज अ जोक. एनी हाउ, तो बात कर रहा था इसकी क्या नाम है कचोरी की. तो यस, इन ब्रैम्पटन जो है, आई मीन यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड इफ यू आर अ रियली अ फूडी. इस कनाडा के अंदर आपको एक छोटी सी जगह पे, जिसे कह सकते हैं जिसे जीटीए ले ले या मिल्टन ले ले, जीटीए के अंदर ये सारे शहर हैं, आपको यू कैन टेस्ट होल इंडिया एंड यू कैन टेस्ट होल पाकिस्तान. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री. ऑनेस्टली इफ यू आर अ फूडी, इफ यू आर नॉट अ फूडी, मेरी इवन अमेरिका से मेरे जो गेस्ट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, they get surprised. What the, even Chicago se, New York se, or even Texas se, even Vancouver se, they get surprised what we got here, what kind of options we have in halal, and at the same token veg and non-veg. Bella je bol na jaye yaar, to mujhe yahan par ye Williams Parkway pe jana hai, ye location hai. I normally don't make videos on the highway, लेकिन मैंने कहा चले यार टाइम तो पास करना है, अपना टाइम तो लंघाना ही है ना. तो मैं कहा फिर व्यूअर्स को साथ लेके चलते हैं तो बातें हो जाएगी. अच्छा, एक कमेंट सुबह ही सुबह आया. सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, किसी किस्म की पॉलिटिक्स में मैं आई मीन लाइक अ ह्यूमन बींग, लाइक अ जनरल पर्सन, ये जो भी कह लें, अगर कुछ इंडिया में बुराई होती है या पाकिस्तान में बुराई होती है, आई डू गेट हर्ट. अगर कोई अच्छाई होती है, आई गेट प्लीज्ड, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो. तो मैं वो ऑन वे टू कमिंग फ्रॉम ब्रैम्पटन ऑन वे टू मिसागा, एक जगह वो छोटा सा वो जिसे कहते हैं ना, दैट वॉज नॉट अ बिग साइन, कोने में वो लॉन्ग साइन कहलाते हैं, वो खालिस्तान के ऊपर लॉन साइन था, उस पर मैंने कमेंट कर दिया और वो समबारी गॉट वेरी ऑफेंडेड और बलूचिस्तान के बारे में भी बताएं कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर और दिस एंड दैट. तो भाई मैं ना तो खालिस्तान के हक में हूँ ना उसके खिलाफ हूँ, ना मैं बलूचिस्तान के हक में हूँ ना उसके खिलाफ हूँ. एवरीबॉडी शुड हैव अ राइट टू ब्रीथ प्रॉपरली. अगर उसके ऊपर कोई वो हो रही, सर पाकिस्तान में बेतहाशा लोग जो है बलूचिस्तान के अंदर जो गायब हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स या उनके जो लवाकिन, या जो लवाकिन तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उनके घर में लोग होते हैं कितने परेशान हैं, या जो भी वहाँ मूवमेंट चल रही है, हु इज सपोर्टिंग इट, हाउ गुड इट इज, हाउ बैड इट इज. यार मैं 40 साल से बाहर हूँ, मुझे आई नो आई फॉलो द न्यूज, लेकिन मैं इन चक्रों में भाई नहीं पड़ता. लेकिन मैं इस चीज पे जरूर बिलीव करता हूँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पीपल डिजर्व अ राइट फ्रीडम. फ्रीडम नॉट इन द सेंस ऑफ कंट्री ऑफ देयर ओन, लेकिन उनके हकूक का ख्याल होना चाहिए. आई डोंट नो कि उनका मुल्क बनना उनके लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, खालिस्तान का बनना अच्छा है नहीं अच्छा है, आई मीन, बट ह्यूमन राइट्स जो है ना, दैट शुड नॉट बी वायलेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन और आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबॉडी बिलीव्स इन. लेकिन गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज होती हैं,
एक तरफ उसको पाकिस्तान की शाहराह कहा जाता है, उसका वर्ड टंग होता है, व्हाटएवर, बट हु सफर इन ऑल दिस, जनरल पब्लिक, कॉमन सिटीजन, कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन, हर फैमिली का। मैं जिस तरह एक फैमिली वाला हूँ, मुझे अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली की यूनिटी, अपनी फैमिली की वेलबींग का हिस्सा, हर कोई जो भी इस धरती के ऊपर यहाँ हो या कहीं भी हो, तो उसका हक है कि उसके बच्चे जो है एक अच्छे माहौल में पले। तो चले, ये तो एक साइड टॉपिक था। और इसके अलावा क्या ना, मैं क्या बात करूं, मैं चले मैं आगे ऑन करता हूँ। जब तो जब नॉर्थ पार्क के इलाके में मुझे यहाँ पे विलियम्स पार्क में की एग्जिट लेनी है, तो मैं क्या चले, ये 8 मिनट की एक वीडियो सी हो गई है और आगे अभी जो भी होगी। कल एक मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने कहा यादी आप ये मेडिटेशन टो का रोना ना रोया करें। ओ भाई जी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, आई स्टिल क्लेम माई सेल्फ। उसके बावजूद भी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, पीपल लव इट, आई एम वे टू थैंकफुल टू देम। मेरा मकसद जो है लोगों को सैर कराना है, जब जहां भी जाता हूं। मेरे राइट साइड के ऊपर ऑलमोस्ट 4 कैमरे हैं, नॉट हैवी DSLR कैमरास, सोनी के, ये भारी भारी, क्योंकि मैं उस चीज का कायल नहीं हूं, लेकिन GoPro के, DJI के और Huawei के और इवन iPhone 12, अनबिलीवेबल कैमरास। तो एनी हाउ, तो मैं अपने कैमरे लेके अपना पलंदा जो है, बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं कि इनकी पोटली साथ चलती है, वो जो बूढ़े बंदे होते थे, एक थैला होता था वो लेके हर वक्त हमारे वालिद साहब के पास होता था। नहीं आओ, तो मेरा ये जो है ना छोटा सा थैला साथ चलता है मेरे, उसमें सारे मेरे माल मता होता है। लो जी, गल्ला गल्ला ही चापा आ गया विलियम्स पार्क में। अब यहाँ की एग्जिट लेनी है मुझे, आगे फिर ब्रैमली पे लेफ्ट बनाऊंगा, ट्रोडम को क्रॉस करूंगा और नॉर्थ पार्क के ऊपर वो एक दुकान है, ये आपा खान लगे हैं जाके आमलेट, देखें क्या खाते हैं। चलें वीर, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर जी वीर। तो नॉर्थ पार्क ड्राइव, ओके राइट। तो ये व्हाई शी इज टेकिंग मी फ्रॉम हियर, क्यों गया री सेंटर, ये क्यों ऐसा कर रही है मुझे। नॉर्थ पार्क तो ये भी है, अच्छा ये घूमती बहुत ज्यादा होगी। हाँ ये ब्रैम्पटन में ये भी वो है कि अब ये घूम के इसने वहीं जाना है, मुझे इसी पे नॉर्थ पार्क के ऊपर ही जाना है। और आप देख सकते हैं स्कूल खुल गए हैं, बच्चे रोड के ऊपर नजर आने शुरू हो गए हैं। इस अनबिलीवेबल वेदर है, 23 डिग्री टेम्परेचर है और क्या नाम है, और आप स्काई को देखें जी व्यूअर्स। तो मैंने क्या नाम है, पैदल चल के और गाड़ी में डिफरेंट प्लाजास की रेस्टोरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा इसमें कुछ थोड़ा सा अपनी लालच भी है कि मुझे कुछ लोकेशंस निकालनी है। ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं शेयर कर सकता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। इस वक्त मारामारी है रेस्टोरेंट्स का, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, मारामारी इस सेंस में, हमारे जमाने में आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले लोकेशन निकालना वॉज वे टू इजी। लोकेशन आराम से निकल आती थी, कोई बेच रहा है, कोई नया लोकेशन है, आप बना लेते थे, दुकान अपनी बना ली, 30-40 हजार, 50 हजार में आपकी दुकान खड़ी हो जाती थी, हुड लगाया आपने और अपनी जो भी लवाजमात है। इस वक्त जितनी रेस्टोरेंट्स की, जितना इमिग्रेंट का इनफ्लो है, जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा है वो रेस्टोरेंट बिजनेस के ऊपर पड़ा है। उसकी एक लालच ये भी है कि इसके ऊपर LMI ये भी निकल आते हैं, अगर आपका अच्छा काम है तो इस पे LMI ये निकल आता है। एक तो उसकी लालच है, उसकी लालच में भी लोग ये काम बहुत कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो जो ये पाकिस्तान से टेली मार्केटिंग होती है, दिन में कम से कम 10 कॉलें आती हैं, उसमें बहुत सारी लिजिट होती हैं, बेचारे बच्चे जो है वहां बैठ के 20-20 हजार 15-15 हजार में काम कर रहे हैं, तरस भी आता है, मेहनत कर रहे हैं, यकीनी बात है, लेकिन समटाइम दोज कॉल्स रियली डिस्टर्ब यू
on the odd time. अच्छा रेस्टोरेंट्स के बारे में मैं कह रहा था, मुझे यहां से लेफ्ट बनाना है. इस वक्त मिनिमम रेस्टोरेंट जो है, अगर उसमें हुड लगा हुआ है, अगर उसमें हुड लगा हुआ है, 1,000 square feet का है, वो बंद भी पड़ा हुआ है तो 1-1.5 lakh का है. बनाने में कितना पैसा लगता है? हुड अभी भी 50 max. और अगर आपके पास अच्छे काम करने वाले हैं तो मैं समझता हूं आपको सस्ता लग जाएगा. और अभी भी मैं कह सकता हूं अगर आप राइट फ्रॉम द स्क्रैच बनाते हैं, उसमें ये जहन में रहे कि आपका 6 महीने का टाइम इन्वॉल्व है. अच्छा तो आप जो है ना एक रेस्टोरेंट खड़ा कर सकते हैं. और उसकी प्राइस क्या, अगर आप सिर्फ बना के बेच रहे हैं तो 50,000 कहीं भी नहीं गए. तो दिस इज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अभी तो मेरे लाइन अप एंड ट्रिप्स, लेकिन डेफिनेटली अब मैंने आज से 40 साल पहले जो मैं शिकागो में किया करता था हंटिंग फॉर लोकेशंस, तो एक एक्टिविटी है मेरा वो भी है. ये देखे नॉर्थ पार्क वहां पर भी थी, अब ये घूम के इधर आई है. तो जीपीएस जो है बहुत ही स्मार्ट है. उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं जाया करना, तो आगे जाओ, आगे से लेफ्ट बनाओ और फिर राइट बना लेना, तो तुम्हें जो है अंदर अंदर गलियां गलियां नहीं खेलना पड़ेगा. तो मैं नाउ आई एम गोइंग ऑन दिस साइड. तो यू कैन इजीली मेक अबाउट $50,000. दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी. ऑल यू हैव टू बी ऑन योर टो. दाणे आपके पास पूरे होने चाहिए. आप सिर्फ रेस्टोरेंट्स बनाएं. अच्छा रेस्टोरेंट बनाने में जो थोड़ा सा इश्यू होता है वो होता है जोनिंग का. एक प्लाजा है उसके अंदर दुकानें हैं बेतहाशा, क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए थोड़ा सा इश्यू होता है रेस्टोरेंट का. ये भी मैं आपको बता दूं, लैंडलॉर्ड के लिए जो इश्यू होता है वो सबसे बड़ा जो होता है उसकी इंश्योरेंस. अगर आपके प्लाजा में फर्ज किया हेयर कटिंग सलोन है, डॉलर स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, यू नेम इट, आई मीन नॉर्मल, आई मीन कन्वीनियंस स्टोर है, ये व्हाटएवर, या कोई कॉफी शॉप है विदाउट फायर विदाउट गैस. अब आप वहां पर रेस्टोरेंट डालना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा जो उसके लिए बेचारे के लिए लैंडलॉर्ड के लिए जो इश्यू होता है उसकी इंश्योरेंस स्काई हाई हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग की इंश्योरेंस है इन जनरल एज ए होल. और अगर वो इलाका ऑलरेडी जूंड नहीं है, जूंड से मुराद ये सिटी की एक जूनिंग होती है कि भाई इस जगह पे ये काम हो सकता. मसलन अक्सर मैं जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए लोग मुझसे पूछते हैं, यार आप बातें भी सुन रहे हैं मेरी और आप ब्रैम्पटन को देख रहे हैं कि हाउ वेल कैप्ट इट इज. मुझे इसके भी पे बनाना है. पीछे अभी किरपान और तलवारों की लड़ाई हुई है शेरिडन के उसके ऊपर, तो मुझे उसकी भी वीडियो बनानी है. हाउ मच इट्स हर्टिंग द कम्युनिटी. ये जितने भी जो स्टूडेंट्स नारे साथ, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर बैड, लेकिन जो स्टूडेंट्स आए, ये देखे ना लेफ्ट साइड पे जो प्लाजा है, जबरदस्त प्लाजा है, और ये सब रिसेंटली बने हैं 15-20 साल में. तो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा था. तो रेस्टोरेंट में आप पैसे इस तरह बना सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है. तो मैंने ये काम आज से 40 साल पहले किया है. आई यूज टू हंट फॉर लोकेशंस, बिल्ट इट, सेल इट, थ्रो इन अ मार्केट. यू हैव टू रन इट फॉर एटलीस्ट फॉर गुड 1 year बाय द टाइम यू पिक अप सेल. लेकिन यहां जो इस वक्त सिचुएशन है, देखें बिजनेसमैन कौन होता है, बिजनेसमैन वो होता है जो वक्त की धार और डिमांड को समझता हो. अपॉर्चुनिटी को आप नाक करना जानते हैं. इस वक्त अपॉर्चुनिटी है. मिनिमम एक रेस्टोरेंट में 6 महीने में आपकी मेहनत है. आई वुड से अबाउट डिपेंडिंग हाउ बिग द लोकेशन इज, डिपेंडिंग आई मीन मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑन द डॉट इतना आपका खर्च होगा, लेकिन एक ऐसा हो जरूर हो सकता है. मैं सही जा रहा हूँ? यस आई एम गोइंग. यार ये नया प्लाजा यहाँ बना, यहाँ तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है. अभी देखे ना अगले ने, चले मैं आपको करंट मिसाल दे देता हूँ, ये कैसा इलाका आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल डेड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब कुछ है. आगे दूर कोई एक और प्लाजा होगा, अगले ने वहां लोकेशन लगा निकाली, यूनिक नाम डाला उसने, यूनिक अंकल आमलेट, ये नया प्लाजा बना. आई हैवंट बीन हियर बिफोर, आई मे बी, आई डोंट इवन रिमेम्बर. कर्नल प्लाजा, अवानी रेस्टोरेंट, ये अच्छे ब्रांड नेम्स रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर.
तो आप जो है ना यू कैन मेक गुड मनी ऑन इट. और हाँ, एक साल आपको रन करना पड़ेगा. यू हैव ऑप्शन. सब के निकल गया गल्ला गल्ला इच अब बस लैब पर आना मेरे लिए मुश्किल होगा. आई डिडंट इवन नो दैट के दिस मच दिस एरिया हैज बीन डेवलप्ड सो मच. लेकिन गल्ला गल्ला इच काम करता ना इसका यहाँ कट भी नहीं होगा. अच्छा उस प्लाजे का आगे से कट होगा. चले आपकी जहर हो रही है. 18 मिनट की वीडियो हो गई आपकी सैर हो गई. देखे ना कितना बड़ा प्लाजा क्रिएट हुआ है. आबादी बढ़ते बढ़ते ये सारे जो थे ना आज से 15 साल पहले खेत थे यहाँ पर. फार्म्स देयर वर फार्म्स स्मार्ट शॉप सेल्फ स्टोरेज. ओके ओके ये देखे जी आ गए जी. अब ब्रैम्पटन ही आ गए. अब ब्रैम्पटन आ गए. जी वीर तब आपको ना लोकेशन निकालने के लिए आपको घर घर गली गली जाना पड़ेगा. हमें नए के हर प्लाजा में. हाँ भाई भाजी किधर मैं यार प्लाजे के अंदर रास्ता ढूंढ रहा हूँ. किधर पे है किधर पे यार. ये बहुत ही बड़ा प्लाजा. मैं तो आज तक आया ही नहीं कभी यहाँ पर. बहुत बड़ा प्लाजा है. बहुत बड़ा प्लाजा है ये. आप किधर से राइट किधर से एंटर किए हो प्लाजा. ओ यार मैंने वो कट भूल गया था. मैं इधर से मैं एंटर हूँ इधर एयरपोर्ट रोड की तरफ से. एयरपोर्ट लेफ्ट लो से इधर आते हुए जाते हुए. अच्छा इंडो कनाडा. ये क्या है इंडो कनाडा सलून एंड स्पा. दुबई ज्वेलर्स. दुबई ज्वेलर्स हाँ. मान इमिग्रेशन. मान इमिग्रेशन से इधर जाओ. मान इमिग्रेशन से उधर जाओ. आपको चार्ली शेक्सपियर देखेगा. कॉर्नर पे शेक्सपियर देखेगा. शेक्सपियर शेक्सपियर शेक स्क्वायर शेक स्क्वायर. हाँ जी. राजा फैब्रिक्स. देखो शेक्सपियर के साथ पटेल है. पटेल के साथ ही है. शेक्सपियर से खड़े हुए आपका शेक्सपियर दिख जाएगा. इधर देखो गार्लिकी के सामने पड़ता हूँ. रेड चिली ट्रॉपिकल ग्रिल. आप रेड चिली से लेफ्ट तिरछा देखो. लेफ्ट की साइड डायगनली देखो. रेड चिली से डायगनल देखो. एक मिनट ठहर जा यार. रेड चिली के डायगनल की इंग्लिश जूस वाला जो है वो शेक स्क्वायर. जूस वाले के साथ ही क्या शेक्सपियर है. मैं यार शेक्सपियर और पटेल तो दो कभी साथ हो ही नहीं सकते. शेक्सपियर वो शेक आज खुला है ये. वाह जी वाह. शेक स्क्वायर लेजेंडरी शेकरी एंड डेजर्ट कैफे सिंस 1971. दिल्ली का ब्रांड है. ग्राउंड बेस्ड है. जो मैं यार तूने गाली दे दी यार. वो वीडियो आम थी यार. चलो इधर पे मैं उसको वो होती ना बीप होती है. मैं बीप मार दूंगा. अंकल आमलेट क्या भाई जी क्या जबरदस्त क्या आ गया भाजी. मैं गड्डी लाने लगा. आ जाओ तो भैया आप देख रहे हैं क्या. अगर आप फूडी हैं यू विल लव टू बी इन ब्रैम्पटन. अब यही मेरा जो मैंने ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं मित्र भी हैं. एंड वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स. एनीहाउ तो मैंने इस बच्चे को दिलाया था ब्रैम्पटन में मकान. कहता नहीं पाजी हूं ब्रैम्पटन नहीं छड़ना क्योंकि फूडी बंदा है. तो अगर आप फूडी हैं यू विल लव टू बी इन ब्रैम्पटन. लो जी गड्डी साड़ी लग गई है. अंकल आमलेट आपको दूर से नजर आ रहे हैं. वीडियो अपनी बन गई है. चले वीर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस.